Hello students, welcome in EBC channel, and today we will discuss the topic types of numbers. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ नंबर्स है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो नेचुरल नंबर्स. आखिर नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स आर नंबर्स that we use to count. Natural number वो number होते हैं जिनका use हम counting में करते हैं. अगर हमें किसी भी चीज़ की counting करनी है, किसी चीज़ को गिनना है, तो हम लोग starting करते हैं one से. जैसे one, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitely. यानी कि इतने बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये इन्फाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं. लेकिन जो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग होता है वो वन से होता है. अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स. जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है होल नंबर्स, कि आखिर होल नंबर्स क्या होते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इंक्लूड्स जीरो इज नोन एज द होल नंबर्स. यानी कि एक नेचुरल नंबर का ऐसा समूह होता है जिसमें जीरो इंक्लूड होता है, उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं. और होल नंबर से ही डिफाइन हो रहा है, पता चलता है हमको. होल, होल का मीनिंग होता है संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट. यानी कि जो हम नेचुरल नंबर्स हम काउंटिंग जो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देन 10, जब तक हम 10 काउंट नहीं करेंगे, 10 नहीं लिखेंगे, तब तक हम उससे आगे 11 से काउंटिंग नहीं कर सकते. तो यहाँ हमको पता चलता है कि जो 10 नंबर है, 10 जो डिजिट है, वो 1 और 0 से मिला के बनी हुई है. यानी कि 9 के बाद अगर 10 आएगा तो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा. तो हमारे जो होल नंबर्स होते हैं उसमें ज़ीरो भी रहता है, यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो इंक्लूड रहता है. तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है होल नंबर्स का, वो ज़ीरो से होता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी इन्फाइनाइट तक होता है, इसकी भी कोई सीमा नहीं होती, बहुत काउंटिंग होती है इसकी भी. अब हम लोग जो थर्ड टॉपिक है आज का वो हमारा है इवन नंबर. आखिर इवन नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, या ये कहें कि एक ऐसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो हमारा इवन नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमेशा 0 रहता है. 4 भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ऐसे ही 6 है, 8, 10 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर हैं. इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम सीखें, अ नंबर हैविंग इट्स यूनिट और वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 and 8 इज कॉल्ड एन इवन नंबर. या ये कहें कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी डिजिट जिसका वंस प्लेस पे नंबर, यानी वंस प्लेस की जो डिजिट होगी वो 0
टू फोर सिक्स एंड एट। जिस नंबर पे भी वंस प्लेस पे ये फाइव डिजिट्स होंगी वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 46। 46 को हम लोग लिखते हैं 4 6। तो यहाँ पे जो हमारा वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो 6 होगा, तो 46 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। रिपीट कर रहा हूं, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। अभी हमने सीखा इवन नंबर के बारे में कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। लेकिन ऑड नंबर क्या होता है? 2 से डिवाइड नहीं होता है। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑड नंबर होगा। 3 को भी हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या रहेगा, ऑड नंबर। ऐसे ही 5 है, 7 है, 9 है, एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे। इन अदर वर्ड्स, अ नंबर हैविंग इट्स यूनिट और वंस प्लेस डिजिट 1, 3, 5, 7 एंड 9 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जैसा कि हमने इवन नंबर में जाना था कि जिस नंबर की या जिस डिजिट का प्लेस वंस प्लेस नंबर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो नंबर इवन होता है। लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर में क्या होगा कि जिस डिजिट का, जिस नंबर की जो वंस प्लेस की वैल्यू है वो अगर 1, 3, 5, 7 और 9 अगर होगी तो वो ऑड नंबर होगा। एग्जांपल देख लीजिए। सपोज कीजिए एक नंबर 47 है, इसको हम 4 7 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 7 है, तो ये कैसा होगा, ऑड नंबर। अब 51 ले लीजिए, 51 को 5 एंड 1 लिखते हैं हम लोग, 5 1 51, तो यहाँ पे जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 1 है, तो 1 है, तो ये क्या होगा, ऑड नंबर। और अभी हम लास्ट, आज हम सीखेंगे प्राइम नंबर, क्या कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ। इट्सेल्फ का मतलब होता है, मीनिंग होता है स्वयं, खुद, खुद से। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। अगर कोई नंबर, कोई डिजिट है और वो 1 से डिविजिबल है, 1 से तो देखिए हर एक नंबर डिविजिबल होता है, लेकिन अगर कोई नंबर 1 से डिविजिबल के साथ साथ अगर खुद से ही डिवाइड होता है, बाकी अदर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो वो हमारा प्राइम नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 से तो डिविजिबल है, 1 2 ज़ा 2, लेकिन 2 से भी डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, बाकी अदर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 जो है प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही 3 है, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और 3 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, बाकी 1 और 3 के अलावा ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 3 भी जो होगा ये प्राइम नंबर होगा। ऐसे ही 5 7 11 एंड मैनी मोर, बहुत सारे हैं। जैसे 41 ले लीजिए, 41 1 से डिवाइड हो सकता है और 41 से डिवाइड हो सकता है, बाकी थर्ड नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, ये तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आई होप
आप लोगों को ये सारे नंबर समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।